अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हो उसामा राजपूत यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए ले आया हूँ एक इमोजी स्टेटस वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल लेके। तो यहाँ पे इसमें आपको एक डेमो प्ले करके दिखा देता हूँ। तो गाइस जैसे गाइस आपने डेमो वीडियो में देखा, यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं ये गाइस एक इमोजी स्टेटस है। और इस तरह के गाइस स्टेटस से अक्सर गाइस आपने टिकटॉक के ऊपर लास्ट में देखा होगा, पीछे गाइस वीडियो चल रही होती है और आगे गाइस से इमोजी टाइप के जो से रिलिक्स आपके सामने शो हो रहे होते हैं। इसको गाइस जो सा मैंने ब्लैक स्क्रीन और वाइट स्क्रीन में गाइस मैंने यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखा रहा हूँ। तो आप गाइस इन दोनों में से जो सा चाहे मर्जी गाइस आप एक पैटर्न है वो गाइस आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं गाइस आपको बताता हूँ कि आप इसको किस तरीके से क्रिएट करेंगे और इनके ऊपर गाइस मैं आपको बताऊँगा कि आपने लाइट मोशन कहाँ से जाके डाउनलोड करना है, क्योंकि गाइस मुझे इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि जो आप XML हमें प्रोवाइड करते हैं वो लाइट मोशन जो सा आप लोगों के पास है वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। तो मैं गाइस आपको अपना ही लाइट मोशन प्रोवाइड करूँगा जो गाइस मैं खुद ही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अंदर गाइस जो सा आप मेरे वाले जो से XML है वो उसको आप ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो चलते गाइस अपनी वीडियो की जानब। तो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पे लाइट मोशन एप्लीकेशन है वो ओपन कर लेनी है। अगर गाइस आपको यहाँ पे प्लस वाला आइकॉन के ऊपर जाना है और यहाँ पे गाइस आपको देख लेना कि गाइस आपने कौन सा बैकग्राउंड चूज़ करना है। तो फिल वक्त के लिए इसमें आपके सामने यहाँ पे वाइट चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। वाइट गाइस मैंने चूज़ किया है, ब्लैक में भी यूज़ कर सकते हैं। क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब गाइस आपको सिंपली यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे गाइस जो मैं अपना नेम सबसे पहले लिख लेता हूँ उसामा राजपूत, ठीक है। और यहाँ पे गाइस मैं एक जो सा फ़ोन यूज़ करूँगा वो है बार कोड के नाम से, ठीक है। वो गाइस मैं यहाँ पे एक फ़ोन यूज़ करने वाला हूँ, ये रहा बार कोड फ़ोन, ठीक है। और इसको गाइस मैं ब्लैक में ही रहने दूँगा, ये ब्लैक डार्क कर लेता हूँ और साइज जो सा गाइस मैं इसका यहाँ पे भरा दूंगा। देन मैं गाइस यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करूँगा और इसको गाइस जो सा मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर लूँगा। अगर गाइस आपका बैकग्राउंड जो सा होगा वो गाइस आपका ब्लैक होगा तो गाइस आपने यहाँ पे वाइट कलर का गाइस आपने फ़ोन का कलर यूज़ कर लेना है। अब गाइस आपको सिंपली यहाँ पे करना क्या होगा, वापस पैक के ऊपर जाना और इमोजी स्टेटस बाय उसामा राजपूत के नाम से गाइस आपके सामने ये XML सामने आएगा, ठीक है। तो गाइस आपने सिंपली यहाँ पे करना क्या है, इसको गाइस आपने कॉपी लेयर कर लेना है। तो यहाँ से गाइस जो मैं इसको कॉपी लेयर कर लेता हूँ, देन मैं गाइस यहाँ पे बैक जाऊँगा। बैक जाने के बाद अब मैं जो सा थोड़ा सा स्पेस देके गाइस मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक है। यहाँ पे गाइस मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि जो सा मेरे पास है एक ऑडियो है उसके ऊपर गई जो सा स्टार्टिंग में एक वो साउंड स्टार्ट होता है, उसके बाद गई जो सा यहाँ पे रिलिक्स साउंड आते हैं, यानी कि इस रिलिक्स यहाँ पे शो होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ पे करूँगा क्या, इसको किस मैंने तक ले जाऊँगा और अब मैं गई यहाँ पे आप देख सकते ये गई इस टाइम मिड में। अगर गई इसको आप दाएँ बाएँ करना चाहते हैं तो वो गीज़ आपकी मर्ज़ी, अपने हिसाब से गीज़ आप इसको दाएँ बाएँ कर सकते हैं। अब गाइस आपने यहाँ पे सबसे पहले ग्रुप के ऊपर जाना है, एडिट ग्रुप में जाना है और यहाँ पे गाइस आपने जो सा अपना रिलिक्स है वो गाइस आपको यहाँ पे तब्दील कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस जो सा मैं लिखता हूँ हाल मेरा, ठीक है। और यहाँ पे गाइस जो सा मैंने फ़ोन यूज़ किया वो किया है ए समीर सागर। देन मैं गाइस यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक हो गया। अब गाइस आपने यहाँ पे करना कि ऊपर गाइस आपको इमोजी नज़र आ रहा है तो फर्स्ट वाले इमोजी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे गाइस आपको जस्ट ट्रांसफॉर्म है वो गाइस आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे गाइस जो सा ट्रांसफॉर्म आपको गाइस यूज़ करना है वो होगा कुछ इस टाइप का, ठीक हो गया। ये ट्रांसफॉर्म है, थ्री डॉट्स वाले ऑप्शन के ऊपर जाऊंगा, यहाँ से गाइस मैं कॉपी कर्व कर लूँगा। देन मैं गाइस यहाँ पे आगे जाऊँगा, ठीक है, थ्री डॉट्स वाले ऑप्शन के ऊपर जाके पेस्ट कर्व करूँगा और यहाँ पे गाइस जो मैं डबल एरो के ऊपर क्लिक करके इसको ओपोजिट ले जाऊँगा। अब गाइस यही सेम प्रोसेस मैं सेम एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्म पर जाऊँगा, यहाँ पर पेस्ट करूँगा, इधर जाऊँगा पेस्ट करूँगा, डबल आर ओ के ऊपर क्लिक करके अपोजिट कर लूँगा। अब इस हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है। अब इसमें यहाँ पे रिलिक्स के ऊपर क्लिक करूँगा, इफेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे गाइस आपके सामने दूसरे नंबर पे आ रहा है ऑक्सीलेटर, इसके ऊपर गाइस आपको क्लिक करना है। इसकी जो सी फ्रिक्वेंसी होगी वो गाइस आपको 0.30 रख लेनी है। तो 0.30 के इसमें यहाँ पर रख ली है, यहाँ से गाइस आपने इसको मिनिमाइज करना है। देन गाइस आपको चले जाना है यहाँ पर जो सा ये रिपल नामी गाइस इफेक्ट है, इसके ऊपर गाइस आपको क्लिक करना है और यहाँ पे गाइस जो सा इसका रेड्यूस होगा उसको गाइस आपने यहाँ पे 80 कर लेना है फुल, ठीक हो गया। और गाइस आपने अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, अगर गाइस आपको इन दो इफेक्ट की ज़रूरत हो तो गाइस आपने इनका आई बटन ऑफ कर देना है, जो कि गाइस आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देगा। रिलिक्स के ऊपर आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस जो सा मैं फिल वक्त के लिए फेद जो सा गाइस ऑफ कर देता हूँ, ठीक है,
क्योंकि गाइस हमें इस तरीके का ऑप्शन दे रहा है वो ऑलरेडी जो सा यहाँ पे फेद है वो एक्स्ट्रा यूज़ हो रहा है, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो सा ये रिपल नमी इफेक्ट है इसके ऊपर गाइस मैंने फेद ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, जिसकी वजह से ये स्लो हो रहा है यानी कि फेद हो रहा है रिलिक्स। तो यहाँ पे गाइस मैं वापस बैक के ऊपर जाऊँगा और आपको गाइस एक दफ़ा डेमो प्ले कर देता हूँ। यहाँ से गाइस सबसे पहले मैं इसका डुप्लीकेट लूँगा, सॉरी कॉपी लेयर करूँगा, आगे ले जाके पेस्ट करूँगा, पेस्ट लेयर ग्रुप के ऊपर जाऊँगा, यहाँ पर जो सा दूसरा रिलिक्स होगा वो गाइस मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, मैं जानूँ देन ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। अब गाइस आपने इन तीनों इमोजी को गाइस आपने तब्दील कर लेना है, मैं जानूँ यहाँ पे एक ये ऐड करूँगा, इधर भी मैं तीनों को सेम टू सेम गाइस इमोजी होगा वो गाइस मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा, देन ओके के ऊपर क्लिक करूँगा, वापस बैक के ऊपर जाऊँगा, यहाँ पे जो मैंने लोगो यूज़ किया उसको फुल एंड तक ले जाऊँगा। मैं गाइस आपको यहाँ से प्रीव्यू दिखा देता हूँ जो कि गाइस हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देगा, ठीक है। यहाँ पे गाइस जो से ये छोटे छोटे गाइस मैंने रिलिक्स यूज़ किए जिसकी वजह से तेज़ हो रहा है, जैसे कि आप इसको भराए गए इस ग्रुप को ज़्यादा भराए गए वो गाइस आपके सामने उतना ही स्लोली परफॉर्म करेगा, जैसे कि यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आप देख सकते ये ठीक हो गया। अब इस बार ये जाती है स्टार्टिंग में गई जो सा आपने इमोजी यूज़ करने, यहाँ पे गाइस मैं फिल वक्त के लिए यहाँ पे कोई भी गई जो सा मैं ऑडियो यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि गाइस ऑडियो को ऑलरेडी मैं प्ले करता भी नहीं हूँ ताकि कॉपीराइट ना आ जाए, इस वजह से गाइस मैं आपको जस्ट रिलिक्स समझा रहा हूँ। अब गाइस आपने यहाँ पे करना कि ये मिड वाला गाइस जो सा होगा यानी कि सबसे लास्ट वाला, इसको गाइस आपने कॉपी कर लेना है, कॉपी लेयर, ठीक है। अब गाइस जहाँ पे आपको म्यूज़िक आए वहाँ पे गाइस आपको ये खाली पेस्ट कर देना, जो कि गाइस आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दे रहा है, ठीक है। जस्ट गाइस आपको यहाँ पे यही काम करना है और गाइस आपको कुछ नहीं करना और इसको मिड में ले आना है। मिड में लाने के बाद गाइस आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में गाइस जो सा म्यूज़िक होगा कुछ इस तरीके से, इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी लेयर, फिर आगे गाइस मैं इसको पेस्ट भी कर देता हूँ, दो यूज़ कर लूँगा ताकि ठीक तरीके से नज़र आ सके। इसको यहाँ से कट कर दूँगा और यहाँ पर गाइस मैं कोई और इमोजी है वो गाइस मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर ये वाला, ठीक है। देन ओके के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक हो गया। अब गाइस आपको नज़र आ रहा होगा ये गाइस थोड़ा स्लो है यानी कि हल्का है कलर में, तो यहाँ से गाइस आपने इसकी ओपेसिटी बढ़ा लेनी है, ठीक हो गया। अब मैं गाइस आपको यहाँ पे फुल प्रीव्यू दिखा देता हूँ जो कि गाइस हमारे सामने कुछ इस तरीके से हमें नज़र आएगा। अगर गाइस आपने बैकग्राउंड जो सा इसका गाइस आपने ब्लैक करना है तो यहाँ पर गाइस आपको बैकग्राउंड जो सा सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर जाकर यहाँ से ब्लैक चूज़ कर लेना है, ठीक है। ब्लैक चूज़ कर लिया और गाइस जो सा रिलिक्स होगा उसको गाइस आपने यहाँ पर वाइट चूज़ कर लेना कलर, जस्ट गाइस आपको यही काम करना है और गाइस आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना और आप गाइस जो सा इसको दो पैटर्न से इजीली क्रिएट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो अब गाइस आपको यहाँ पे इमोजी वगैरह नज़र नहीं आ रहे होंगे तो सिंपली गाइस आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ब्लेंडिंग वाले मोड के ऊपर जाना और यहाँ से गाइस आपने इनको नॉर्मल कर लेना है, ये नॉर्मल हो गया। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं ये गाइस जो सा हमारे सामने कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे गाइस जो सा हमारा स्टेटस क्रिएट हो चुका है। अब इस बार यह जाती है कि आपने कहाँ से जाके लाइट मोशन को यूज़ करना है, सॉरी डाउनलोड करना है। तो वापस गाइस आपने बैक जाना है, इंस्टाग्राम जो सा गाइस आपने अपना ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस जो सा मैं अपना इंस्टाग्राम ऐप है वो गाइस ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्रोफाइल में जाता हूँ तो यहाँ पे गाइस आप मेरा यूज़र नेम चेक कर सकते, ठीक है। तो ये भी जाके यार कर लेना, फॉलो कर लेना, ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं यहाँ पे वीडियोस वगैरह भी नहीं अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने एक अपडेट कर दी है। यहाँ पे गाइस आपको नीचे नज़र आ रहा होगा लिंक, ठीक है। यहाँ पे टू मोर के ऊपर गाइस आपको क्लिक करना है, जैसे क्लिक करेंगे या लाइट मोशन का गाइस आपको लिंक मिल जाएगा, तो इसके ऊपर गाइस जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये गाइस आपको रीडायरेक्ट कर देगा मोड एपीके के ऊपर। यहाँ से फिल वक्त में वेबसाइट भी नहीं ओपन कर सकता, कॉपीराइट स्ट्राइक का इशू है, ठीक हो गया। तो यहाँ से जाके गाइस आपने अपना लाइट मोशन जो है वो आपको डाउनलोड कर लेना है आपने, जो कि इसमें खुद यूज़ करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।